साथियों, आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो, एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहीं तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तो आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी। साथियों, आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। आज यूपी में अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में जैसे जिन शहरों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं, उन्हें कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था, उनकी कोई पूछने वाला नहीं था। अब यहां भी हवाई सेवाएं शुरू हो रही है क्योंकि इन शहरों में तेजी से विकास हो रहा है, यहां औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। जिस तरह हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को मेट्रो शहरों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों और गांव देहात तक ले गई, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं। छोटे शहर भी अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हाईवे के उतने ही हकदार हैं जितने ही बड़े मेट्रो शहर हैं। और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका जो प्लानिंग 30 साल पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज टीयर 2 टीयर 3 सिटी उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन एक अवसर बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का यही विजन डबल इंजन की सरकार का मूल मंत्र है। साथियों, आज आजमगढ़
मऊ और बलिया को कई रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। इसके अलावा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ और कई दूसरे जिलों से जुड़ी रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। प्रयागराज रायबरेली, प्रयागराज चकेरी और शामली पानीपत समेत कई हाईवे का लोकार्पण शिलान्यास भी अभी अभी मैंने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का लोकार्पण हुआ है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी पूर्वांचल के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा भविष्य लिखने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। आज पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी हुई एमएसपी दी जा रही है। गन्ना किसानों के लिए भी इस साल लाभकारी मूल्य में